GCF of 30 and 45 using prime factorization method। इस वीडियो को पूरा देखिए, चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो मैं इन दोनों के प्राइम फैक्टर करूँगा। प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 1 से 10 तक के मैंने प्राइम नंबर लिखे हैं। तो देखो इसमें मैं 2 का डिवाइड करता हूँ, कितना 15 टाइम हो गया। इसमें देखो 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे 3 का डिवाइड हो रहा है, कितना 5 टाइम। 5 में 5 का डिवाइड किया मैंने, 1 टाइम हो गया। इसमें देखो 3 का डिवाइड हो रहा है, कितना 15 टाइम। अगेन 3 का डिवाइड हो रहा है, कितना 5 टाइम। 5 में 5 का डिवाइड 1 टाइम। ओके, हमें ध्यान से समझना है कि हमें ऐसे छोटे से शुरुआत करनी है, बड़े की ओर आगे बढ़ना है। जैसे 3 का हो रहा है तो 3 का किया जब तक हो रहा है, जैसे ही 3 का होना बंद हुआ उसके बाद 5 का किया। ओके, ये ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे इसके जो फैक्टर आए हैं इनको हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या मिला, 2 × 3 × 5 मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 3 × 3 × 5 मिल गया। हमें यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, GCF चाहिए। तो क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस करना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, फैक्टर कर दिया। सेकंड स्टेप, दोनों के जो कॉमन फैक्टर है उसको लेना है, यानी ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है यहाँ भी है। अगेन देखो 5 5 दोनों जगह है, इनका मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 15। यही यहाँ पे आपका क्या है, GCF। इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर CF, यानी कॉमन फैक्टर लेना है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों YouTube पर सर्च करें सुरेंद्र खिलेरी। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताओ प्लीज़।